नेक्स्ट लास्ट टेस्ट लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो बीटा कीटो एसिड होता है, जो बीटा कीटो एसिड होता है, इस बीटा कीटो एसिड से एसिटाइल एंजाइम ए क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इन द लास्ट स्टेप RCWCH2COOH कोएंजाइम ए में से RCWH प्लस CH3COOS कोएंजाइम ए, और हम जानते हैं कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है और इसमें नंबर हो जाता है फैटी एसिड, ठीक है। तो ये होती है इसकी लास्ट स्टेप डिटॉक्सिफिकेशन। लिख लो बीटा कीटो एसाइन हाइड्रेज, बीटा कीटो एसाइन हाइड्रेज। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप यहां देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये देखिए इधर कितने निकल गए, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन निकल गए। आप इसको टोटल देखें, जैसे आपने फर्स्ट रिएक्शन से शुरू किया है, तो फर्स्ट रिएक्शन से मान लो अगर आपके कार्बन में आपका कोई कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उसमें आपके कार्बन कितने हैं, 24 कार्बन, ठीक है। जो आपने लिया है मॉलिक्यूल फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, उसमें 24 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं आपके, अलग रह जाते हैं, और बाकी का ये कितने मॉलिक्यूल कंटेनिंग रह गया, इट्स कंटेनिंग 22 मॉलिक्यूल। हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दो कार्बन मॉलिक्यूल कहां रह गए आपके, यहां रह गए। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में दो कार्बन मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन एवरी रिएक्शन। अब ये जो है ये फिर से जाएगा, फिर वापस ये इसी तरह से करेगा, तो हर स्टेप में इसमें से क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, रिमूव होता चला जाता है इन एवरी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल जितनी बार भी होगी उतनी बार हर बार एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आप देख रहे हैं, या तो ये इस तरह से भी रह सकता है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होना है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां मूव कर जाता है, पीसीए साइड, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां मूव कर सकता है, पीसीए साइड। क्लियर है बच्चों, तो इट इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आपका अल्फा ऑक्सीडेशन। अच्छा, इससे पहले
पहले बीटा ऑक्सीडेशन किसने दिया है, लिख लो साइंटिस्ट का नाम एफ नू, बीटा ऑक्सीडेशन एफ नू। सेम अल्फा ऑक्सीडेशन वही बात करेंगे जिन्होंने दिया है, सबसे पहले उन्हीं का नाम स्टम। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो गया है लिपिड वाला चैप्टर। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है उसमें वो है स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड, स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड लास्ट टॉपिक है आपका। Till कब तक, जब तक कॉटिलेडंस नहीं बन जाते। व्हाट इज द कॉटिलेडंस,
और द कॉटिलेडंस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, एंडोस्पर्म जो फर्स्ट फॉर्मिंग लीव्स होती है, बेसिकली इनको लीव्स आप कहें या ना कहें, कॉटिलेडंस जब तक लीव्स पूरी तरह से नहीं बन जाए, वो फोटोसिंथेसिस करने के लायक ना हो जाए, भाई सीड है, सीड ने जर्मिनेट करा, जर्मिनेट करने के बाद फोटोसिंथेसिस करने के लायक ना हो जाए, तब तक उसको कॉटिलेडंस क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सीड्स ने जैसे ही जर्मिनेट होना शुरू किया तो जर्मिनेट होने के बाद वो पहली चीज जो बनाता है क्या बनाता है, कॉटिलेडंस। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म जनरली किस फॉर्म में होता है, फाइटोरॉयल ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, और ट्राइग्लिसराइड कहां प्रेजेंट होता है, इन द एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलेडंस। इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म और कॉटिलेडंस और इन स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, आगे लिखिए इन स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, स्पीरियोसोम्स, स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स स्पीरियोसोम्स। ठीक है, तो ये जनरली बस दो पॉइंट्स हैं इसके। पहला कि जो फैट और ऑयल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड कहां पर होता है, इन एंडोस्पर्म और कॉटिलेडंस, और इसका जो ऑर्गेनल होता है वो क्या है, स्पीरियोसोम। जैसे हम लोगों के अंदर पेरोक्सीसोम्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही स्पीरियोसोम्स। ठीक है, सो यहां आपका आज लिपिड का कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है थर्ड यूनिट का, वो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, कल से आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट शुरू करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं अगर साइट पर आपका सिलेबस जो कम हुआ है, जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि न्यूज पेपर में आया था 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन फोर्थ यूनिट देखेंगे, शुरू करेंगे। तो फोर्थ यूनिट में जो मेन टॉपिक्स है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, वो होता है एक तो प्लांट हार्मोन। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर रीड करोगे, तो प्लांट हार्मोन्स और एक सेनेसेंस, ये दो चीज होती है जो इम्पोर्टेंट है आपके फोर्थ यूनिट में। तो पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, देखते हैं आगे। ठीक है, चलो।